देखिए, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, विदाउट एक्सेप्शन सारे पॉलिटिशियंस, प्रोपेगेंडा और पनिशमेंट, इन दो चीजों को एक डबल एज्ड नाइफ की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने अपोनेंट्स के अगेंस्ट। तो ये सवाल ये नहीं है कि अगर वो करेंगे कब वो करेंगे, सवाल है किस तरह से वो ये प्रोपेगेंडा और पनिशमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक छोर पे हैं एडोल्फ हिटलर जैसे नेता, जिन्होंने कि बहुत ही विशियसली पनिशमेंट और प्रोपेगेंडा का यूज़ किया, उन्होंने लोगों को मारा, वेंजफुल मर्डर्स करे। तो ये तो एक एक्सट्रीम एंड है, एक एक्सट्रीम छोर है, और उनका अंत भी देखिए कितना विशियस हुआ। और जो दूसरे छोर पे हैं, ऑपोजिट एंड पे हैं, वो नेल्सन मंडेला जैसे नेता हैं, जिन्होंने कामली, सटली और मॉडरेटली ये प्रोपेगेंडा और पनिशमेंट के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करा, और देखिए किस तरह से हिस्ट्री ने उनको पॉलिटिकल इमॉर्टैलिटी दे दी है। अब देखिए, जो पॉलिटिक्स होता है वो फिजिक्स की तरह ही होता है, क्योंकि अगर आप कुछ एक्शन करते हैं तो उसका एक इक्वल एंड ऑपोजिट जो है रिएक्शन हो जाता है। अगर एक पॉलिटिशियन बहुत जोर से अपने अपोनेंट्स को दबाने की कोशिश करता है तो उसको एक अंडरडॉग का हेलो हो जाता है, उसके साथ सहानुभूति इलेक्टोरेट की बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो पॉलिटिशियन का करियर खत्म हो चुका होता है वो रिवाइव होना शुरू हो जाता है। आप शायद अभी भी फुली कन्विंस नहीं है मेरे इस थ्योरी से, तो मैं आपको आज की दुनिया से, हिस्ट्री से नहीं, आज की दुनिया से चार उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, नवाज शरीफ बार बार पाकिस्तान में पावर में आते हैं, क्योंकि जब भी वो पावर में आते हैं तो उनको बहुत जोर से दबाने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, पिछले साल जो यूनाइटेड किंगडम में चुनाव हुआ उसमें जर्मी कॉर्बाइन का किस तरह से लोगों ने कहा था कि वो तो खत्म हो गए हैं पॉलिटिकली, किस तरह से वो मिरेक्युलसली वापस आ गए। अब देखिए, मलेशिया में हाल ही में महातीर मोहम्मद और अनवर इब्राहिम, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जीत के आएंगे और ये जीत गए। और अब देखिए ब्राज़ील में आजकल क्या हो रहा है, लूला, जिनको कन्विक्शन भी हो गया है, जेल भी शायद हो गया था, आज वो जो चुनाव आने वाला है उसमें उनका एक बहुत बड़ा बाउंस दिख रहा है। तो ये चार उदाहरण आज की दुनिया से हैं, लेकिन मैं कहता हूँ तब भी हम बाहर क्यों अपने देश से जाते हैं। अगर अपने देश में ही देखें तो जो सबसे सरप्राइजिंग, स्टनिंग पॉलिटिकल रेसरेक्शन हुआ है वो हमारे देश में ही हुआ है। याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी 1977 की इलेक्शन पोस्ट इमरजेंसी हार गई थी, लोगों ने कहा था कि अब तो ये इनका चुनावी करियर एकदम ख़त्म हो गया। लेकिन तब देखिए जनता गवर्नमेंट ने एक कितना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर किया, उन्होंने सत्ता में के दो महीने में ही जस्टिस जेसी शाह को, जो कि एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको रिटायरमेंट से निकाला और कहा कि आप एक शाह कमीशन बनाइए विच विल लुक इनटू द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने अपने बेटे संजय गांधी और अपने जो सीनियर पॉलिटिकल एड प्रणब मुखर्जी, इन लोगों ने मिलकर कहा, डिस्प्यूट करा कि ये जो कमीशन बना है ये लीगल नहीं है, और उन्होंने कहा कि हम इसमें ओथ नहीं लेंगे, और कहा कि ये जो कमीशन है गलत है। तो जस्टिस शाह ने एक बार तो उनको गुस्सा भी आ गया, उन्होंने डांटा भी इंदिरा गांधी को, और उसी वक्त जो हमारी सरकार थी, जनता सरकार, वो इतनी बौखलाई हुई थी कि उन्होंने इंदिरा गांधी को अरेस्ट कर दिया। अब जो उन्होंने अरेस्ट करा तो जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस बनी वो इतनी सिंपथेटिक थी इंदिरा गांधी के लिए कि उससे जनता के बीच में थोड़ी सिंपति पैदा हो गई। फिर हुआ क्या कि जब ये मामला कोर्ट में गया तो वो चार्जेज इतने फ्लिम्जी थे कि वो एकदम कोर्ट ने डिसमिस कर दिए, और उसी वक्त इंदिरा गांधी का, जिसको हम कह सकते हैं कि वी मोमेंट, विक्ट्री मोमेंट जो था वो आ गया था, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये तो जिस चार्ज में इनको पकड़ा गया है ये तो नॉट गिल्टी है। अब उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ दिखाई। बेलची में, बिहार का एक गाँव है, वहाँ पर 11 दलितों की हत्या की गई थी और उनको जिंदा जला दिया गया था। तो इंदिरा गांधी ने एक एलिफेंट पे, एक हाथी पे सवार करके वो बेलची पहुंची। फिर उन्होंने इसके बाद अपना सबसे साहसपूर्ण उन्होंने राजनीतिक कदम उठाया, उन्होंने चिकमगलूर कर्नाटका के एक बाई इलेक्शन में अपने आप को कैंडिडेट बनाया, और वहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर स्लोगन बना कि जैसे एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमगलूर भाई चिकमगलूर। हुआ क्या कि वो जीत गई, बहुत भारी उनकी जीत हुई, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बन गई, लेकिन सरकार ने फिर गलती करी, अपनी ब्रूट मेजॉरिटी पार्लियामेंट में जो उनके ज़्यादा नंबर थे यूज़ करा और उनको पार्लियामेंट से एक्सपेल कर दिया। तो इस तरह से उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ती गई, लोगों की सहानुभूति, सिंपति उनके साथ बढ़ती गई, जिससे 1980 के जनरल इलेक्शन में उनको भारी विक्ट्री मिली। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल कमबैक था वो उसी वक्त हमारे ही देश में हुआ था।
अब देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, उन्होंने शाह कमीशन जैसा कोई एक मास पब्लिक ट्रायल करने की गलती तो बिल्कुल नहीं करी, उन्होंने हिस्ट्री से सीखा है। लेकिन एक गलती शायद उनकी सरकार भी कर रही है, क्योंकि वो जो प्राइम टाइम टेलीविजन पे जो इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा अपने जो उनका प्रिंसिपल पॉलिटिकल अपोनेंट है राहुल गांधी है उनके अगेंस्ट कर रही है कि हर चीज़ में कुछ भी होता है इस देश में तो राहुल गांधी की गलती बताते हैं, तो इतना एक्सेसिव प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जिससे शायद वो थोड़ा बैकफायर हो सकता है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। जिस दिन जम्मू और कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की सरकार गिर गई तो वो एक बहुत भारी न्यूज़ थी, और उसी दिन 500 मील दूर दिल्ली में चीफ मिनिस्टर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर पे स्ट्राइक कर दी थी, तो ये भी पहली बार ही शायद हमारे देश में हुआ, तो इतना बड़ा न्यूज़ी दिन था। लेकिन उस दिन देखिए प्राइम टाइम न्यूज़ पे किस तरह का शो चला कि क्या राहुल गांधी ने अपने जो रोहित वेमुला थे जिन्होंने सुइसाइड करा था, क्या उनको उन्होंने पॉलिटिकल प्रॉप बना दिया था। ये जो शो था इसकी बुनियाद ये थी कि रोहित वेमुला की जो मदर हैं उन्होंने कहा था कि IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने उनको 15 लाख रुपए की असिस्टेंस की प्रॉमिस दी थी। उन्होंने राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन जो हमारा शो बना वो कहा कि राहुल गांधी के ally IUML ने प्रॉमिस दिया, तो इसलिए वो राहुल गांधी की गलती है। अब देखिए एक और दिन की मैं चर्चा करता हूँ। जिस दिन नीरव मोदी, जब पता चला कि वो UK में है और CBI ने फाइनली इंटरपोल में ये नोटिस दिया कि नीरव मोदी को रोका जाए और हिंदुस्तान भेजा जाए, तो उस दिन देखिए शाम को क्या प्रोपेगेंडा शो बनता है कि राहुल गांधी जो वाजपेयी को मिलने गए थे वो एक पॉलिटिकल स्टंट था। तो नीरव मोदी पे शो नहीं हुआ, CBI के इंटरपोल नोटिस पे शो नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी वाजपेयी को मिलने गए वो पॉलिटिकल स्टंट हो गया। अब मैं एक और दिन की कहानी आपको बताता हूँ कि जिस दिन कर्नाटका में इतना बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ कि जो गवर्नर थे उन्होंने पीछे की गली से एक माइनॉरिटी BJP सरकार बनाने की कोशिश करी और कांग्रेस ने उसी रात मध्यरात्रि मिडनाइट को सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग करी उसको रोकने के लिए, तो कितनी बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूज़ थी। और उसी दिन वाराणसी में भी एक बहुत नेग्लिजेंस पता चली, जिस तरह से वो जो फ्लाईओवर गिरा था जिसमें काफ़ी लोग मर गए थे, तो वहाँ पे नेग्लिजेंस हुई। तो इतना बड़ा न्यूज़ का दिन था, दो बहुत भारी न्यूज़ के आइटम थे, लेकिन उस शाम को भी प्राइम टाइम प्रोपेगेंडा में देखिए क्या होता है कि राहुल गांधी ने कहा कि हमारी जो जुडिशरी है वो पाकिस्तान जैसी है। अब देखिए राहुल गांधी ने कहा क्या था, उन्होंने कहा था कि 4 जज सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक में आए, उन्होंने सपोर्ट मांगी, वो प्रेशर में थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ये सब कुछ डेमोक्रेसीज में नहीं होता, ये सब कुछ डिक्टेटरशिप्स में होता है, ये पाकिस्तान में होता है, इतना कहा था राहुल गांधी ने। लेकिन देखिए उसको कितना बात का पतंगड़ बनाया। और देखिए अब एक और दिन का उदाहरण, उस दिन जिस दिन गुजरात में कांग्रेस ने एक नियरली अपसेट किया, बहुत ही पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स आए, कांग्रेस जीती तो नहीं लेकिन बहुत टक्कर दी BJP को, तो एक नियर अपसेट था। उस दिन देखिए रिस्पॉन्सिबल जो न्यूज़ चैनल्स थी या वेबसाइट्स थी या न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने काफ़ी एनालिसिस किया पोल डेटा का। अब देखिए उस दिन भी प्राइम टाइम TV पे क्या डिबेट होती है कि राहुल गांधी गए स्टार वॉर्स देखने के लिए एक सिनेमा हॉल दिल्ली में, मतलब राहुल गांधी पिक्चर देखने गए, ये प्राइम टाइम का शो बन गया उस दिन, जबकि गुजरात में इतना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हुआ था। हर रोज़ शायद आधा दर्जन ऐसे उदाहरण हमारे टेलीविज़न चैनल पे होते हैं, और कितने में दे सकता हूँ, लेकिन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 4-5 मैंने आपको बताएं उससे साफ आप कन्विंस हो जाएंगे कि किस तरह से एक एक्सेसिव प्रोपेगेंडा हो रहा है कि देश में जो भी गलती है वो एक राहुल गांधी, उसका सेहरा राहुल गांधी के सर पर बांध दिया जाए। लेकिन ये जो एक्सेसिव प्रोपेगेंडा हो रहा है ये इस बात को इग्नोर करता है कि जब आप इस तरह से किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो एक उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है, लोगों की सिंपथी हो जाती है ऐसे विक्टिम के साथ, और ये शायद हो भी रहा है, कुछ आंकड़े दिखा भी रहे हैं कि लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा अगर आप किसी एक इंसान के पीछे पड़ जाते हैं तो उसका एक जैसे मैंने कहा कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी हो जाता है। तो ये जो लेसन्स हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के, इनसे सरकार को प्रोपेगेंडिस्ट को थोड़ा बच के ही चलना चाहिए।